हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत से। पूजा को सुबह सुबह मैंने काम में लगा दिया है। आज पूजा आ रही है दो काटने के लिए दुदिल के पेड़ में। तो दो काटने से पहले इसने उंगली काट दी है। बोल रही है मेरे को बैंडेज लगाना है। पूजा बोल रही तूने इतने बड़े पेड़ में जाने को बोला है मेरे को। ठुल हो रही क्या रो पूजा? और ठुल हो रही और ठुल हो गई। उंगली देखो दिन कलर कट रही, कलर कट रही खुल। ये तो पोड़ दिना झूठी बोलूंगी। बाप रे, इसका तो खून आ गया। एक बाल्टी खून आ गया, एक बाल्टी खून आ गया यार। आप फ्यूल तेरो की करना पड़ो तो मैं आप टांग लगन पड़ा जाए है। पूजा का तो एक बाल्टी खून बह गया और इतने बड़े पेड़ में गई है पूजा आज। पत्ती सारी गिरा दे रही है, खाली टहनी काट के ला रही है। बोलिए पत्ते तो सब झड़ जाम रहे हैं। खेत का काम करने के बाद पूजा में पतिदेव पापा जाने लग गए हैं ऊपर वाले घर। पापा बोल रहे हैं तुम्हें संतरे खिलाता हूँ। अब देखती हूँ संतरे खिलाते हैं, संतरे के पत्ती खिलाते हैं। पूजा और पापा लड़ रहे हैं कि मैं लंबी हूँ। पूजा बोल रही पापा से कि मैं आपसे लंबी हूँ। ऊपर में जाके भी लंबी नहीं है। देखो वैसे देखे हाइट पापा बड़े पांडा अच्छा नहीं था। मेरा तो फेवरेट है पांडा। पागल हो पांडा गोरा होता है, काला भी होता है। पांडा फेवरेट है मेरे लिए, मेरे कमरे में सब पांडा है। नाक तो उसकी काली होती है, नाक नाक थोड़ा काला होता है, काला होता है उसका और पूरा गोरा होता है, मुंह काला होता है तेरी तरह। वो मैं सुबह शाम पांडा को देखती सोचती हूं मेरा रात अच्छी जाती है। पता है आपको पांडा आमा आए हैं यहाँ पे। हमारी आवाज सुन के आम बोल रहे कौन जो इतना हल्ला करने वाला। आमा को पता चला हम ही लोग हैं। चंदू संतरे लेके आ गया, आप सबको देगा चंदू के। देखो सब लोग संतरा खाने में बिजी है। ये इस साल का ना लास्ट संतरा है, अब इसके बाद खत्म है। पेड़ में भी अब एक नहीं दिखाई दे रहा है। पाव मीठा हो रहा है, खट्टा हो रहा है, चुकी लो रहा है। अगर कोई मांगने वाले हो तो खट्टा हो रहा है, नहीं तो ठीक हो रहा है। सबसे ज्यादा मीठे हो रहे हैं बार लास्ट में। ये हो गए ना अच्छे से अब तो। सब तो आपने खा दिए पहले। अब तुमने खाए सब? मैंने खाए, मैं तो आज 4 से 5 दिन खा रहा होगा पूरे साल में घर के संतरे। सब संतरे नेहा ने, सूरज ने, चंदू ने, चंदू ने नहीं उतने सबसे ज्यादा सूरज ने और नेहा ने, चाची ने, फिर सूरज की मम्मी ने। इन तीनों ने खत्म करे हमारे पूरे संतरे, 3 पेड़ के संतरे। ऊपर घर से पूजा और माँ गए खेत में। मैंने ये ऊँस काटे थे, ये बात दे ना। देखो कितना अच्छा पुल बना रखा है मैंने। पूजा मैडम इंतजार में है कि ऊँस ले जाऊंगी, लकड़ी ले जाऊंगी या दुदिल की पत्तियां लेके जाऊंगी। क्या ले जाओगे मैडम? ये ऊँस ही ऊँस ले जाएगी। काफी उठा हल्का रहा, भारी हल्का हल्का है रहो, हल्का है जो। और दुदिल की पत्तियां तोड़ के हमने इसमें रखी हैं, लकड़ियां काट के रख दी हैं वहाँ पे। तो ये डॉग पूजा लेके जाएगी, उसमें लेके जाऊंगी क्योंकि पूजा बोल रही मेरे को ऐसा जो रहा है। और ये लकड़ियां लेने बाद में आएंगे हम लोग। अभी बच चुके हैं 2 और हम लोग अभी बना रहे हैं दिन का खाना, क्योंकि हम लोगों ने ना नाश्ता बहुत लेट किया था। आजकल दिन छोटे होते हैं, रात बड़े होते हैं, तो 2 टाइम खा के भी पेट भर जाता है। पर हम लोग 3 टाइम बनाते हैं। शाम को हम लोग एक एक डेढ़ डेढ़ रोटी खा लेते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में मूली का पलाव। पापा और पूजा की डिमांड थी कि आज तो मूली का पलाव बना करके, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। पूजा ला गई है मूली तोड़ के, धो धा के बिल्कुल। खाली में छिलने फिर तो है दम खींच। पूजा बोल रही है आज मूली मैं छींचती हूँ, तो छीला की गुना दे। पूजा बोल रही है मूली थेसने का काम मैं करती हूँ। पूजा बोल रही है ना, तूने पूजा बोल रही है करके मेरे से सारा काम करा लिया है। कोई बात नहीं बहन, काम भी कर लिया कर कभी कभी।
अब इसको हिंदी में बोलते हैं सिलपट्टा और पहाड़ी में इसको बोलते हैं ठीक है पूजा बताओ। तो मूली थीसने का काम पूजा करने वाली है। अब हिंदी में इसको बोलते हैं सिलपट्टा, पहाड़ी में इसको बोलते हैं सिलू। सिल कुनान ये चाहिए ढूंगाले बन रही और बीच बीच में उनमें छेद जस कर रहे हैं, कैबर कर रहे हैं छेद ताकि ये पिसील बढ़िया गए। अपन दिमाग वाले बताऊँगी हाँ मैं पता नहीं ठीक है के मैले बतून भरी हूँ ये चाय इले छेद है इले छेद इले 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 छेद है। अगर ये प्लेन हो तो बढ़िया कहीं थिची ना, अगर ये थोड़ा उबड़ खाबड़ है तो बढ़िया के थिची तस हो ना पूजा तो हो जी या खाली ओ गुम ही अब की करूँ थिची अब कैसे कहाँ कढ़ाई में डाल दिया, कढ़ाई में डाल दिया हमने घी और इसमें डाला है आटा मट्ठा और मूली। पूजा बना रही है आज मूली भात। तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था तो पतिदेव कहीं गए हुए थे तो पतिदेव अभी आ रहे हैं। मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाना भूल गई कि हम लोगों को कैसा लगा। वैसे तो अच्छा लगा तो अब एक बार पतिदेव से पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है उनको। पतिदेव कैसा बनाया पूजा ने? मस्त बनाया। मैं ज़्यादा अच्छा बनाती पूजा। मैं आपने कब बनाया? जब बनाता हूँ। वो जब कब आता है? कभी आता है? हमेशा हमेशा आता है। तब तो आज भी आपने बनाया है। फिर घी अच्छा लगेगा है पले के साथ ना, एक चीज बहुत मस्त होता है अगर तुम उसके साथ गरम गरम पले हो और घी हो ना मजा आ जाता है। कभी आप लोग भी ट्राई जरूर करना है ना, सबको बोलो ट्राई करने को। सब लोग करना बहुत बढ़िया होता है। गांव का घी बहुत ही टेस्टी होता है और वो भी निहा ने बनाया तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा जोक मार दिया थे, हंसी नहीं आई। जोक नहीं सच था। अभी बच चुके हैं 5 और हम लोगों ने दिन का खाना खा लिया। दिन का खाना खाने के बाद हमने बर्तन धोए। पूजा और मेरी तैयारी होने लगी है शाम के खाने की। आजकल ना लेट ही हो जाते हैं हम लोग खाना खाने में। तो पूजा आज बना रही है राई की सब्जी। पूजा काटने लग गई है सब्जी। तो पूजा ने राई की सब्जी बना ली है, मैंने बना ली है रोटी। तो पूजा ने आज अपनी बचपन की डिश बनाई थी। पूजा बोल रही है आमा मेरे को बचपन में यही खिलाया करती थी। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ और पतिदेव को पूछती हूँ कैसी लगी डिश। पापा पहले बोल रहे थे यार ये तो थोड़ा दिखने में अजीब जैसा दिख रहा है, अब पता नहीं कैसा जो होता है। फिर पापा ने 2 कटोरी खा ली पूरी। वो भी पापा ने सोचा कि यार इन लोगों के लिए नहीं बचा, तब पापा ने रखा है वरना पापा सारा खा लेते। पापा को इतना अच्छा लग रहा है, देखते हैं पतिदेव को कैसा लगता है। ये खीर है क्या? हाई मेरे को हलवा दिख रहा है। खीर ये तो खीर और हलवा की बहन है। इसको पूजा बोल रही है, इसका नाम बोलिए लेटवा। पूजा ने इसका नाम क्या बोला पता है? क्या नाम है बोला सुनो ना, इसका नाम क्या है पता है? क्या? लेटवा। लेटवा लेटवा ही बोलते हैं हमारे यहाँ। लेटवा ही बोलते हैं हमारे यहाँ बनाते हैं। पापा बोल रहे थे यहाँ नहीं बनाते हैं माइके। ये बनाया है, पहले घी डाला था उसमें आटा फ्राई किया था, उसके बाद घी डाला इसमें। हाँ मेरे हिस्से का सुनो ना पूरी बात तो सुन लो। पहले घी डाला था फिर आटा फ्राई किया है, उसके बाद डाला है दूध। अच्छा हो रहा है? पापा को तो अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा हो रहा है, अच्छा है। पूजा गुस्सा कर रही है तो डर के मारे बोल रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मन कर रहा है सब खा दूं मगर कहीं खाऊं समझ में नहीं आ रही। पापा ने सोचा होगा बर्बाद होगा दूध और घी का इसलिए खाया होगा। मस्त लग रहा है, पतिदेव के नखरे रहे पापा और मेरे को तो मस्त लग रहा है। पूजा सोच रही होगी अभी वीडियो के चक्कर में कहीं पूरा ना खा ले, मैं क्या खाऊंगी, मैं तेरे लिए भी रखूंगी। फिलहाल है आज दूसरा दिन, कल का ब्लॉग में एंड करना भूल गई थी तो आज इस ब्लॉग का एंड करूंगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।